हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट हम लोग इस लेक्चर में क्लास टेंथ में मैथ सब्जेक्ट की जो ये लेक्चर कर रहे हैं, जो वीडियो कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग इस क्लास में एपी That is arithmetic progression. Arithmetic progression. इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी. क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी. इसके बारे में डिस्कस करेंगे. समांतर श्रेणी को पढ़ने से जस्ट पहले हम लोग इस श्रेणी टर्म से रूबरू हो लें कि ये जान लें कि श्रेणी क्या होता है. ये जो श्रेणी होती है इसको बोलते हैं सीरीज, या प्रोग्रेशन बोलते हैं, या अनुक्रम बोलते हैं. श्रेणी बोलते हैं इंग्लिश में, सीरीज बोलेंगे या प्रोग्रेशन बोलेंगे और हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं, जिसको सीक्वेंस बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं. सीरीज, श्रेणी या एक क्रम. ये क्रम होता क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट होता है. ये जो श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, एक चीज एक होता है अनुक्रम. जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान सुनना. एक लिखा अनुक्रम. क्या लिखा है? अनुक्रम. इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस. क्या बोलते हैं? सीक्वेंस. और एक टर्म होता है सीरीज. क्या होता है? सीरीज. इसको बोलते हैं श्रेणी. इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी. सीरीज और अनुक्रम में क्या होता है? एक फर्क होता है. एक क्या होता है? एक चेंजेस होता है. क्या चेंजेस होता है? जो भी इसके इसमें अनुक्रम लिखे हुए होते हैं. अच्छा, अनुक्रम को कैसे लिख सकते हैं? अनुक्रम जो होता है उसको कुछ भी लिख दें, एक सीक्वेंस बना के लिख दें, X1, X2, X3, X4, ये सब के सब क्या है? अगर ये सही से लिखे हुए हैं, अगर ये व्यवस्थित हैं, क्या है? अगर ये व्यवस्थित हैं, तो इसको बोलेंगे हम अनुक्रम. क्या बोलेंगे? अनुक्रम. अगर ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित होने के साथ साथ इनके बीच में कुछ ऑपरेशन लगे हुए हैं, कुछ मान लो ये लिखा हुआ है X1, X2, X3, X4, समझ में आ रहा ना? X1, X2, X3, X4 ये क्या है? अगर ये व्यवस्थित है तो ये क्या हो गया? अनुक्रम हो गया. अगर X1, X2, X3 क्या है? अरेंज है किसी न किसी प्रोसेस के, किसी न किसी प्रॉपर्टी के, किसी न किसी मेथड के थ्रू ये क्या है? ये अरेंज है. और अरेंज होने के बाद इनके बीच में अगर हम इस तरह का निशान लगा दें, या ऐसे लगा लिख दें, या ऐसे लिख दें X1 प्लस X2 माइनस X3 प्लस X4 माइनस X5, इस तरीके से लिख दें, तो इसके बीच में जो ऑपरेशन लिखे हुए हैं उसको बोलेंगे हम सीरीज बोलेंगे. और वहीं जैसे कि ये सपोज कर क्या है, प्लस में लिखा हुआ, जिसको हमने क्या लिख दिया? XI लिख दिया. और आई कहां से कहां तक वैरी कर रहा है? 5 तक कर रहा है, 4 तक कर रहा है, 6 तक, कहीं तक भी जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो उसको क्या हमने किया? एन लिख दिया. कहने मतलब ये है कि जो अनुक्रम, तो ये तो सीरीज थी, तो यहां पे हम लोग श्रेणी के बारे में नहीं पढ़ेंगे. हम लोग क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे. और जो उसके बीच में जो है प्लस है, सम है, जोड़ है, वो सब सारी चीजें क्या करेंगे? समांतर श्रेणी का योग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और फिलहाल यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं. जैसे कि मान लें कि ये लिखा हुआ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 इस तरीके से रन कर रहा है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का अनुक्रम है. क्या है? ये एक प्रकार का सीक्वेंस है. क्या है? क्या एक प्रकार का सीक्वेंस है.
ओके क्या वो सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक है फिर एक है फिर एक है फिर एक है फिर एक, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता जा रहा सब में एक एक जोड़ने के बाद मिलता जा रहा। सिमिलरली उस ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखा है एक बटे एक लिखा है, फिर एक बटे दो लिखा है, एक बटा तीन लिखा है, एक बटा चार लिखा है, एक बटा पांच लिखा है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी क्या है, इस तरीके से इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लेते हैं एक लिखा हुआ है एक बटे दो लिखा है, एक बटे दो स्क्वायर लिखा है, एक बटे दो क्यूब लिखा हुआ है, एक बटे इस तरीके से, ये भी क्या है एक प्रकार का अनुक्रम है। क्या है अनुक्रम, किसी न किसी हो सकता है कि उसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ पे क्या है एक बटे दो में हर टर्म में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, प्रत्येक पद में क्या है मल्टीप्लाई होता चला रहा है, इसमें एक बटे दो से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, इसमें एक बटे दो से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, इसमें एक बटे दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबके सब क्या है सबके सब अनुक्रम है, इनको बोलते हैं सिक्वेंस बोलते हैं। ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है। तो एक ऐसा अनुक्रम होता है, एक ऐसा अनुक्रम होता है, एक ऐसा क्या होता है अनुक्रम होता है, अनुक्रम क्या होता है अनुक्रम होता है या सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस होता है जिनमें जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच में, जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच, प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर समान होता है, क्या होता है अंतर समान होता है, उसको मैं अभी एग्जांपल से बताता हूं। अंतर क्या है समान होता है, मींस अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इसका मतलब क्या है, अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, अ सीक्वेंस इन विच सीक्वेंस इन विच बिटवीन टू टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, यहां पे क्या लिखा अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज इक्वल, कोई भी पद ले लें, जैसे कि कोई भी अगर हम सीक्वेंस ले लेते हैं यहां से, जैसे कि यहां पे हमने लिया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर इस तरीके से रन कर रहा है। अब यहां पे क्या करेंगे, ये दो पद ले लें या ये दो पद ले लें या ये दो पद ले लें, कोई भी दो पद ले लेते हैं, अगर इसके इसके बीच में कंटिन्यू, अगर इसके इसके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है डी, वही क्या है कोई भी दो ले लें उनके बीच में भी क्या है वो भी क्या होगा अंतर सेम आएगा, इसके इसके बीच में अंतर सेम आएगा। बात समझ में आई, कोई भी पद ले लें, जैसे कि मान लेते हैं हमने लिया ये, हमने लिया बराबर आना चाहिए, एक या दो से नहीं मतलब है, जो भी अंतर है वो बराबर आना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है दो चार छ आठ दस बारह इस तरीके से। अब यहां पे दो और चार कोई भी क्या लिखा है लगातार ईच टू टर्म्स जो है कॉन्सिक्यूटली, कहने मतलब क्या है जो भी कोई कॉन्सिक्यूटली या कंसिक्यूटिव कोई भी दो नंबर हो, अनुक्रम जिसको बोलते ना क्रमागत, क्रमागत क्रमागत कंसेक्यूटिव जो भी टर्म्स होंगे, कंसेक्यूटिव जो भी टर्म्स होंगे वो क्या है उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा समान होगा, जैसे यहां इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है दो, तो कोई भी अगर हम दो टर्म लेंगे यहां से ले लेते हैं यहां यहां से ले लें तो इसके इसके बीच में भी दो आ रहा, कहीं से भी कोई भी दो पद ले लें इसके इसके बीच में ले लें तो यहां पर भी दो आ रहा, तो हर जगह क्या होना चाहिए समान आना चाहिए। अब यहां ले लो तो इसके बीच में क्या आना चाहिए आएगा यहां पर भी दो आएगा, तो ये होता है क्या होता है इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, एक ऐसी सीरीज एक ऐसी श्रृंखला जिसमें से कहीं से भी अगर कोई भी दो क्रमागत दो पद ले लें उन दो पदों का अंतर क्या है कहीं भी दो पदों का अंतर जो है इक्वल आएगा। ओके तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी। यहां से जैसे कुछ